लिखा है मूसा ने लोगों को क्या कहा, लोग परेशान हो गए जब फरौन उनका पीछा जब किया तो परेशान हो गए, बन गया क्या समंदर पीछे बहुत पीछे कौन है और अगला मौसम बड़ी बचाता, लेकिन उनको इस चीज का नहीं पता कि खुदा नामुमकिन का जानता था कि मेरा खुदा एक बड़ा रास्ता खोलेगा हमारे लिए, क्योंकि खुदा ने जब उसको कहा कि मेरी कौम की मैंने मुश्किल देखी है तो इसको क्या कर निकाल, और उनको निकालने के लिए खुदा ने बहुत सी बीमारियों को भेजा, भेजा भी नहीं भेजा, लेकिन बादशाह क्या करता था जब गुनाह कोई आपत भेजता और वो क्या करता जब उसका नुकसान होता फिर उसने कहना अच्छा अपने खुदा को बोलो ये वापस ले लो मैं तेरे लोगों को जाने दूंगा, और जब खुदा उसको खत्म कर देता फिर क्या करता भेज देता, फिर क्या करता बदल जाता, कहना केड़ा खुदा, जब खुदा दूसरी आफत भेजता फिर क्या करता, फिर वही बात जब तीसरी आफत आती है फिर लास्ट में खुदा ने कहा कि मैं इनके बलों को क्या करूंगा, लोगों को क्या करूंगा मार डालूंगा, और वहां पर खुदा के लोग भी थे और वहां पर मिस्री भी थे और इस्राएली भी थे, और मिसाल के तौर पर यहां पर बैठे हैं यहां पर रातवाज मिसाल दे रहे हैं, दूसरे भी लोग थे रातवाज, उनकी पहचान खुदा ने कैसे की, खुदा ने कहा कि एक बर्रा लेना उसका क्या करना जिदा करना और उसका जो खून है वो लेकर क्या करना अपनी चौकों के ऊपर लगा देना कि जब मौत का फरिश्ता है उसको पता चल जाए कि ये रातवाज है और ये रातवाज नहीं है, तो कलाम के अंदर लिखा है कि जब लोगों ने ऐसा किया या अपने गार है लेता थी क्या करता था वो सिर्फ चौकों के ऊपर खून देखता था, अगर लगा है तो उसके आगे गुजर जाता था, अगर नहीं लगा उसके पुलों को क्या करता था वो लाश कर देता था, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमेशा कि चुपचाप खड़े होकर खुदावन की निजात के काम देखो, और बहुत से लोगों ने मूसा क्या की बातें करना शुरू कर दी, आज भी बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो कि खुदा के कादिम है, वो बात ये समझते हैं कि जब कलीसिया के लिए दुआ करते हैं वो ही जो कलीसिया होती खादिम साहब क्या कर रही होती है बातें कर रही होती है, जब उनका काम हो जाता है फिर गल्ला करनी शुरू, लेकिन मैं आज सुबह ये कहना चाहता हूँ कि जो खादिम खुदा के हैं इनको खुदा ने चुना है, किसने चुना है, और जब वो रात को आप रात को सो रहते हैं लेकिन जो खुदा के खादिम वो क्या कर रहे थे आपके लिए दुआ कर रहे थे, तो कोशिश रीत की क्या होती है खादिमों के सबसे पहले ट्रैक होता है, होता भी नहीं होता, लेकिन कभी खादिमों ने स्टेज के ऊपर आकर आपको भी बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, कभी कहा कि मैं इस बैंड कहा से आपके लिए क्या बने बरकत का वसीला बने, तो मेरे अजीजों यहाँ पर हमने कुरान के कलाम के अंदर क्या लिखा देखा है कि मूसा ने क्या कहा कि चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम करो, फिर उसने क्या कहा कि खुदा तुम्हारी क्या करेगा जंग करेगा, उसने कहा कुछ कर सकते, अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी कामयाबी आए तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने यीशु के साथ दिल लगाना है, कलाम के अंदर लिखा है क्योंकि तुझे मुझसे दिल लगाया है मैं तुझे चढ़ाऊंगा तुझे सरफराज करूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को पहचाना है, आप खुदावन के कलाम में से देख लीजिए कि जीसस ने भी खुदावन के नाम को पहचाना है, खुदा ने उसको घोड़े से उठाकर तख्ती शाही पर बिठाया है, अगर हम थोड़ा आगे जाएं पलूस और सलात के बारे देखें, कल पढ़ा पलूस और सलात के बारे में, वो दोनों कहां पर हैं जेल के अंदर हैं, और वो किसकी खिदमत कर रहे हैं खुदा की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या किया गया अटैक किया गया उनको जेल के अंदर बंद किया गया, और कलाम के अंदर लिखा है अगर आप अमाल की किताब देखें और उसके अंदर 16 बाब के अंदर लिखा है कि जब उनको जेल के अंदर डाला गया उनको मारा गया किसके लिए यीशु नाम की खातर,
उसने कितने दुख सहे। आज तो खुदावंद का शुक्र है, हम बड़े आराम से खुदा की खिदमत करते हैं। हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जाते हैं, जहां मर्जी हम मीटिंग्स करते हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जितने मसीहत से शिकायतों ने फैलाई है, जहां जहां पर गए वापस नहीं आ गए। तोमर दूर हमारे पाकिस्तान के अंदर आया, उसने जितनी मसीहत फैली एशिया के अंदर, उसने फैलाई, उसको क्या किया गया, कतल किया गया, उसको तीर मारे गए। उसकी कब्र इंडिया के अंदर है, लेकिन उसके कुछ मकामात जो है वो पाकिस्तान के अंदर टैक्सला के अंदर है। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से उन्होंने मसीहत को फैलाई है, यीशु नाम की खातिर। अगर आज थोड़ी सी मुश्किलात आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम अपना नाम तब्दील कर देते हैं। नहीं है कि मसीह नहीं लाना, नहीं, कलाम के अंदर लिखा जहां देने तक वफादार है तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज ऐसे नहीं मिलना, वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ। अगर आप मसीह हैं तो हमने किसी बात से परेशान नहीं होना। देखिए उनको वो जेल के अंदर है, लेकिन वो रात के वक्त वो क्या कर रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं और वो ज़बूर गा रहे हैं। कौन सा ज़बूर गा रहे हैं? रब खुदावंद बादशाह है। क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत कर रहे हो। लेकिन आज अगर साढ़े वाला बंदा असर के लिए कर रहे हो, चुप चाप खड़े होकर खुदावन की निजात के काम देखो। खुदा ने वहां पर भी निजात का काम किया, क्योंकि सारे कैदी जो इबादत कर रहे थे वो चूर रहे थे। लेकिन उन्होंने ऐसे गिले नहीं किए, उन्होंने यीशु के नाल कोई गिरावट नहीं किया। कलाम के अंदर लिखा है कि वो हम उनके गीत गा रहे थे, वो खुदा की प्रस्तुति कर रहे थे। जो भी उनके ऊपर मुश्किलात आई, उनको मारा गया, लेकिन वो खुदा की क्या करें, शुक्रगुजारी करें, वो खुदा की इबादत करें। वो जो दूसरे कैदी है वो क्या कर रहे थे, वो भी सुन रहे थे। और वहां पर जब कलाम के अंदर लिखा है कि यज्ञ जब पुचाल आया और दीवारें जो थी वो क्या हुई, दिल की सारे दरवाजे क्या हुआ, तो वहां पर खुदा ने क्या कि सबकी भेड़ियां भी खुल गई। तो वहां पर जलाल महान है, तो उसे कोई दीवार उठा सकती, यहूदी द्वारा की डिग्रियां थी तो क्या वो ठहर सकी थी। क्या हुआ, आप चाहते हैं कि आज शुभ ये दीवारें गिर जाए तो किसके जोर से गिरेगी, यीशु के जोर से, जिसका पुलूस और सुनास कहां पर थे, जेल के अंदर थे। तो किसने उस फाड़ के ताला खोला थी, क्यों सर, वो खुदावन की कुदरत से। और जब खुदा ने अब जो रेफरेंस लिया, वहां पर मूसा ने क्या कहा कि चुपचाप खड़े होकर खुदावन की निजात के काम को देखो जो आज वो करेगा। लेकिन लोग बहुत से परेशान हो गए, लेकिन जब आप खुदा को मौका देंगे फिर खुदा आपकी जिंदगी के अंदर आएगा, फिर खुदा आपको बरकत देगा। और जो भी जितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आपकी जिंदगी के अंदर हो, फिर खुदा आपको वहां से निकालने की कुदरत रखता है। क्या जो कौन बड़ी साई थी, क्या उस फौजियों को मार दिया था? जब लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, तो जब मूसा ने कहा कि चुपचाप खड़े होकर खुदावन की निजात के काम देखो, और इसकी नेक्स्ट वर्स के अंदर देखें कि खुदा ने मूसा से कहा कि तू मुझसे क्यों फरियाद करता है। क्या कहा, कि तू मुझसे क्यों फरियाद करता है, अपनी हाथ बढ़ाए किसके ऊपर, पानी के ऊपर। और जब बढ़ाए तो क्या हो गया, पानी दो हिस्सों में। तो फिर ये खुदा का बड़ा प्लान उनकी जिंदगी के अंदर था। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद हमें किसी खादम को बात नहीं करनी। अगर वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहा था, मूसा को लोगों की फिक्र नहीं थी, फिक्र थी ना। कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा जो अपने महबूब को नींद नहीं देता है, आमीन। तो आप ये किस तरह सोच सकते हैं
कि जो कुछ भी आप खुदा से मांग रहे हैं खुदा आपको क्यों नहीं देगा, देगा ना, लेकिन उसके लिए हमें खुदा के आगे झुकना है, दुआ करनी है। ये नहीं कि दो तीन दिन दुआ की थी तो फिर बोल रहा खुदा सुनने नहीं दिया मेरी। हर एक चीज का वक्त है, जो भी आपकी जिंदगी के अंदर खुदा ने वक्त को रखा है उस वक्त के हिसाब से खुदा क्या करेगा, काम करेगा आपकी जिंदगी के अंदर। और जहां पर हमने कुरान के कलाम के अंदर देखा है कि मूसा ने क्या कहा कि चुपचाप खड़े होकर खुदावन की निजात के काम को देखो। आज खुदा मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से खुदा आपको भी बरकत देगा, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो वचन करने वाली आग है, वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। अगर आप परेशान हैं तो आप मत परेशान हो, क्योंकि खुदा की फेवर जो है वो आपके साथ है। जब खुदा की फेवर आपके साथ है, जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? तो हो सकता भाई जो खुदा साढ़े नाल है तो कौन साढ़ा मुखालिफ हो सकता है? तो जो खुदा के नाल थोड़ा अच्छा रिलेशनशिप होएगा तो खुदा फिर तुम इंसान की फेवर भी देगा। ये नहीं कि खुदा उतर के थले आएगा पर बचाने वास्ते, खुदा फिर इंसान की फेवर भी देता है। हम यूसुफ की जिंदगी पर गौर करते हैं, तो जब वो ख्वाब देखता है तो जब ख्वाब देखकर अपने भाइयों से शेयर करता है तो उसके भाई खुश होते हैं, क्या करते हैं, लेकिन खुदा ने उसको क्या करना था, सरफराज करना था। लेकिन खुदा इंसान प्रोवाइड करता है किसी ना किसी, बेशक पैसा के वसीला से आपका काम हो जाए या किसी और खादम के वसीला से हो जाए या किसी और इंसान के वसीला से आपका काम हो जाए, लेकिन करना किसने है? करना खुदा ने ही है। ये नहीं कहना कि अभी बढ़िया गाँव की तरह आपको खुदा का काम ही नहीं किया था, बंदे ने कहा काम करना था। खुदा इंसान के दिल को बनाया, खुदा जिधर को चाहे मोड़ देता है। आमीन। मेरा और आपका दिल किसने बनाया है? खुदा ने बनाया। और ये किसके हाथ के अंदर है? खुदा के हाथ के अंदर। जिधर चाहे वो करे मोड़ दे। तो जिधर यूसुफ ने ख्वाब दसिया तो की होया उन्होंने कहा अच्छा, जो दूसरा ख्वाब है वो होर जैलस हो जाते हैं, वो क्या प्लान करते हैं कि इसको हमने मार देना। लेकिन वो ये चीज नहीं जानते थे कि खुदा की फेवर यूसुफ के साथ है। लेकिन जब उसको कुएं के अंदर फेंका गया तो कि खुदा ने खुदा कटा चलू किसने, उसके भाई को खुदा ने मुकर्रर कर दिया। उन्हें क्या इतने दे मार जाएगा इन काटने के बाद देख लेता जिंदा रहेगा। उसने भाई को क्या कहा, वो उसको भेज देते हैं। और जब बादशाह घर के अंदर जाता हो आगे खुदा बादशाह मुकर्रर कर देता हूँ, क्योंकि खुदा ने उस मकाम के ऊपर उसको पहुंचाना है। और जो भी आपकी जिंदगी के अंदर भी खुदा का अगर बड़ा प्लान है तो मेरा ईमान है जब आप खुदा को मौका देंगे तो आप देखेंगे खुदा किस तरह आपको सरफराज दे देता। छोटी छोटी बातों से हम क्या करते हैं कि खुदा के रूह को हम रिजीडा कर देते हैं। हम कहते हैं ये छोटी सी बात है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी बातें भी क्या होती है, नीचा की जिंदगी से आपको गाय ले जाती है। आमीन। छोटी छोटी बातें भी, हालांकि ये यीशु की स्लीप थे उनके नाल दो डाकू भी थी, सिर्फ निकी जी गल की थी कि खुदावन आप तो अपनी बाश भी दे तू मुझे। तो यीशु ने कहा कि अच्छा मैं पहले जाऊँगा सोचा भी जाओगे तेरा पासवर्ड वगैरह वीजा तेरा कला फेंक देने लग जाऊंगा। कहा था यीशु ने कहा, क्या कहा था, तू आज ही मेरे साथ सदोष भी होगा। तो आज मुझे सोचने की जरूरत है कि छोटी छोटी बातों से भी आप खुदा की बादशाही से भाई रह सकते हैं। लेकिन कलाम के अंदर लिखा कि बलीज को मौका ना दो। हम छोटी छोटी बातें करके बलीज को क्या करते हैं, मौका देते हैं। तो जो फिर बलीज को मौका दो ना तो मौका खाली नहीं जाने देगा। मैं एक बात बताता हूँ कि मूसा कितना बड़ा नबी था, जिसके बारे में आज ये टॉपिक है। उसने क्या कहा कि चुपचाप खड़े होकर खुदावन की निजात के काम को देखो। और जब मूसा की डेथ होती है क्या होती है, तो उसको कौन लेने के लिए आ जाता है, फरिश्ता लेने शैतान ही आ जाता है। किस वजह से,
खुदा जरूर जीता दिखा है। लोगों ने गलत की दिया कि तुम प्यासा मारने वाले भुखा मारने वाले लैं ना इतने कोई खाने को ना पीने को, खुदा ने कहा लाठी मार पानी निकलेगा। मूसा गुस्से में दो दफा लाठी मारती पानी तो निकल आया था, लेकिन खुदा का रुक क्या हुआ? लेकिन इसका यह मतलब नहीं खुदा ने, वो खुदा का खादम था, खुदा जिसको चाहे माफ करे जिसको चाहे ना माफ करे, लेकिन खुदा ने उसको माफ कर दिया। लेकिन शैतान ने गल याद रखी, क्या की शैतान ने इस बात को याद रखा, और जब वो लेने के लिए आया खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा कि तू इसके साथ जाकर कर क्या कर जंग लड़, क्या कर जंग लड़। तो कलाम के अंदर लिखा है कि जो मेकिल फरिश्ता था उसने क्या की उसके साथ जंग की, फिर मूसा के उसकी रुकान लेकर गया आसमान पर लेकर गया। मेरे बहनों भाई यहाँ पर देखने की बात यह है, अगर वो मूसा की बात याद रख सकता है अगर वो मूसा की बात याद रख सकता है तो वो हमारी बात भी याद रख सकता है, वो छोटी छोटी बातों से आपको गिरा सकता है। तो इस बात से तुम जो कुछ भी इस जबान से बोले हो सोच समझ के बोलो कि इस गल का की फायदा है इनका की नुकसान है, क्योंकि छोटी छोटी लुंबड़ियां खेतों की कर दी छोटी निकी निकिया गल आराम की कर दी मतलब निकी जी गल भी थोड़ा घर बर्बाद कर सकती, तो निकी जी गल ही तुम खुदा की बाशी चो कर सकती है। देखो डाकू ने निकी जी गल की हमेशा ही जिंदगी चला गया, तो उन्हें दूजे डाकू निकी जी गल जो की आप भी पाए सारे चा तो की हो तो आज हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को कहां पर बसर कर रहे हैं, क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, क्या हम किसको जलाल दे रहे हैं। ये जो मुझे और आपको खुदा ने बदल दिया है हमें क्या करना है, इसके अंदर से हमें किसको जलाल देना है, यीशु के नाम को जलाल देना है। एनी के चुगलियां करके और गलत काम करके गाला करके अति शैतान को जलाल देना। ये जो मेरा और आपका जिस्म है इसको खैमा में घर कहा गया, क्या कहा गया खैमा कभी देखा है? अक्सर झुग्गियां लाई होने बाहर दौड़ाते, अक्सर कोई फंक्शन हो टेंट लगाने की जो फंक्शन मुकया सब कुछ खत्म, ये कहा गया इसको ये अभी फंक्शन खत्म हो जाए थोड़ी देर तक हो जाए घंटे तक हो जाए ये क्या इस वजह खुदा के कलाम के अंदर लिखा है दूसरे घंटे में ये खैमा में जो घर है जमीन पर गिराया जाएगा और आसमान पर हमें नया घर मिलेगा जो हाल का बना नहीं बल्कि अवधि है। तो आज हमें ये सोचने की जरूरत है, मुझे और आपको नहीं पता कि हमने आज की सुबह खुदा ने दी, लेकिन घंटे बाद क्या होगा, आप दुनिया के अंदर होंगे या नहीं होंगे, हमने क्या करना, हो सकता है कि हमें तौबा का मौका भी ना मिले, हमने 24 अपने आप को तैयार करना है कि खुदावन तू मुझे जब भी बुलाए तो मैं शर्मिंदा ना हूं, हमने ऐसे काम करने हैं कि जब हम इस दुनिया से जाए और जब हम जाए खड़ा हो जाए क्या लेकर ताज लेकर कि आजा मेरी बेटी तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आजा मेरे बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आज हमें ये सोचने की जरूरत है, लेकिन अगर सारे काम ही अच्छे नहीं होंगे, अगर सानू किसी ने एक गाल करी है तो जिनी देर तक अं चार नहीं करनी असं दरवाजे ही खोदना करी तो निकल बार दफ्तर क्यों भाई साहब असी उन्नी देर तक अंदर नहीं जाना हम अक्सर कहते हैं क्या नाम है पतरस मसीह, तो हमारी बातें हमारी बातों से भी लोग क्या पहन करें पहचाने बरकत पाएगी, ये मसीह का बेटा है ये मसीह की बेटी है, हमने हम मसीह हैं। जब आप कोई गलत काम करेंगे तभी खुदा खुश होगा खुदा नाराज होगा। हाँ अगर कोई भाई या कोई बहन ये आपकी तारीफ करे ये मसीह है ये सच्चा मसीह है, इनकी बातों से पता चलता है इनके कामों से पता चलता है कि ये मसीह है तो ये तो कितना खुश होगा। तो हमने क्या करना है कि आज के बाद अजी गाली गलोच बुरियां गल्लां जिहड़ियां तुहानूं खुदा दी बाजी तों बाहर लै जाण तो उन्होंने अपनी जिंदगी से की करना है खत्म करना। कलाम कहिंदा लिखा तजर्बा से मालूम करो कि खुदावन नूं की पसंद है क्या पसंद है, तो हमने आज के बाद तजर्बा से मालूम करना है
अब कुछ लोग कहते हैं पैसा ही तजर्बा क्या करिए, इतने बच्चे तो हम नहीं है, तो पता है गाली करने वाला खुदा की बादशाह दाखिल नहीं हो सकता तो ना करो, तो पता है चुगली करने वाला खुदा की बादशाह दाखिल नहीं हो सकता। चुगलियां किसकी? दूसरे फरिश्तों की। ते खुदावन दा जे फरिश्ते काम का पाता है, आज इन्हें यह कर देता है, आज इन्हें यह करता है, आज इन्हें मारे कुटिया जे क्या करता, क्योंकि उन्होंने खुदा ने हर जगह तो उन्हें क्या आज मैं। लेकिन कलाम के अंदर लिखा है तेरा उसके अंदर जब खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को बनाए, और कलाम के अंदर लिखा है कि जो खुदा था वो लूसीफर से बड़ा प्यार करता था, और फिर भी कहा वो खुदा की प्रतिष्ठा करता था, वो जो दूसरे पीछे थे सब कुछ मेरे खुदा ने प्यारा बनाया है, एडे सोने सोने पत्थर लगे हैं, लाइटा लगिया है, मौजा लगिया है, लेकिन वो क्या था दूसरों की इंस्पेक्टर नहीं करता था, लेकिन वो चीज भूल गया कि मुझे खुदा ने पैदा किया, मुझे खुदा ने बनाया, वो चीज भूल गया। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जब खुदा उनको यहाँ से यहाँ पहुंचाता है, वाई बदल देती है, उदो होशा जी का फिर थले पे होता है। मैं एक नाम उनका नहीं लूंगा, एक डायरेक्टर था, अक्सर आपने पाकिस्तानी मूवी देखी का, मैं इसलिए नहीं देखता, लेकिन मैं उनके घर के अंदर गया, जो चूड़ियाँ मूवी देखी कि किसने देखी है, वो उसने बनाई है, उसके घर के अंदर मैं गया तो भाई बता रहा था जो डायरेक्टर थे कि भाई साहब मैं एक वक्त ऐसा था कि इतना बड़ा घर, इतना बड़ा पॉलर, और मैं हमारा एक जो कदम पाकिस्तान के अंदर एक भाई होता था, और अगर हमने कोई दुकान से कोई चीज लेने जाना है तो मैंने गाड़ी का गेट नहीं जाना, और जब खुदा की बारी आनी है, जब सले आना है, तो फिर अही दुनिया के कमा चाहिए, और कभी कड़ा इतना आ रहा, कभी शान आ रहा, कभी साइमा आ रही, कभी कड़े कड़े आ रहे हैं, जी काम करना बस, ये उसने बातें मुझे बताई। तो मैंने कहा भाई साहब, मैंने उसको कहा कि भाई साहब आपको खुदा ने इतना सरफराज किया, तो आपको चाहिए था ये सारी सरफराजी खुदा की तरफ से थी, तो आपने खुदा को टाइम भी दिया, कहते भाई साहब होता चल गया। तो मकसद बताने का ये है कि फिर उनको दुआ की, दुआ जब की उनके घर, तो खुदा ने फिर उनको क्या किया, उसने फिर माफी मांगी कि खुदा में जो मेरा जो भी काम है, लेकिन जो तू मुझे जो भी बिजनेस हुआ तू मुझे देगा, मैं सबसे पहले तुझे टाइम दूंगा। तो मैं बताने का मेरा मकसद ये है कि खुदा आपको भी अगर सरफराज करता है, तो खुदा का जो टाइम है वो किसको देना है, टाइम को एनी क्यों काम दी जाना लगी है, तो खुदा ने बोलो खुदा ही दे वाला तुम, अगर तुम खुदा ना दे खुदा ने कुछ काम होगे कुछ कर सकते हम खुदा का। तो मेरे बहनों भाइयों, आज सुबह हमने ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये हमारी बरकतें क्या करती हैं, रोक देती है। खुदा आपको बरकतें देना चाहता है, खुदा आपको सरफराज करना चाहता है, लेकिन हम अपनी बरकतों को खुद ही रोक देते हैं, हम खुद ही अपनी बरकतों को स्टॉप कर देते हैं, फिर हम गिला किसके साथ करते हैं, खुदा के साथ, किसके साथ, खुदा के साथ करते हैं। तो मूसा ने क्या कहा कि चुपचाप खड़े होकर खुदावन की निजात के काम को देखो, जो आज तुमसे करेगा वो तुम्हारी क्या करेगा, जान लड़ेगा। तो खुदावन आप सबको बरकत दे, और जब आप अपना काम खुदा के काम के अंदर, यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सारी फिक्र किस पे, तो क्या हम छोड़ते हैं, अगर हम छोड़ते जो छोड़ते हैं वो तो फिर खुदा उनकी हल कर देता है, लेकिन जो फिर आप ही कर देते हैं तो खपते रहते हैं, लेकिन हमने खपना नहीं है, हमने जब यीशु ने कहा हमें कि अपनी सारी फिक्रें उस पर डालो, तो हमें उस सारी फिक्रें डालने की जरूरत है। तो खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। अगर कुछ ज्यादा टाइम जिंदगी और श्री कलाम को बयान किया, आज जितनी जिंदगी ने सुना, बुराई ने अमल करने का फजल दे, और आपका नाम चला पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जो कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है, दिया करता के तुम्हें भी क्या दिया चाहे, आए हम जाने का कि बुराई के साथ मिलती है,
मैंने क्या कहा था आज के अज्ञा हमने किसको देना है? तो आज पहला संडे है, बेटी का सारा जिस्म आप देखे जला हुआ है, परेशान है, जॉब चली गई इसकी, भी हदिया होगा वो हमने, मेरी बेटी नैमा है हमने उनको देना है। तो सची गिनती भी नहीं कर दी इसके अंदर डालना पकाए। अच्छा बताए एक वही बात देकर मैं बताना चाहता हूँ, जब हम दिल खोलते हैं ना, खुशी खोलती है तो खुदा आसमान खोलते हैं। मैं कल हफ्ता था चालीस क्वार्टर के अंदर मेरा कल था, फिर था वहाँ जाना था मैंने, तो मुझे एक बंदा फोन कर रहे करे नहीं पहले बजे को, मुझे चार पाँच दिन पहले कहा था सर फिर वो जा रहे, मैं कह यार मैं तो चालीस क्वार्टर में जा रहा मैं नहीं आ सका, कहना नहीं जी नहीं तुम ही कराम सा।